व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी रिएक्शन है, उसका जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का, वो क्या है, अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। हाफ लाइफ पीरियड उसकी अर्धायु, हाफ लाइफ क्या होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी इज डबल्ड, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूले का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव फार्मूला क्या होता है, टी हाफ यानी हाफ लाइफ हमारी, ठीक है ना। ये क्या होती है, प्रोपोर्शनल किसके, वन अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए इसकी पावर एन माइनस वन के, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो एन है ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है ना, क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो हमारी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो हम एन की जगह क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ हाफ लाइफ वन अपॉन ए, एन की जगह हम क्या रख देंगे, जीरो माइनस वन फार्मूले में। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए माइनस वन, ठीक है। अब माइनस वन का मतलब ये ऊपर जाकर जो है प्लस वन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऊपर चले जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टी हाफ जो है इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हो गई, बराबर हो गई। यानी अगर यहाँ पर किसको हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर देते हैं, ठीक है, तो ये ए इसके प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या होगा, हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ही हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो हमारा आंसर टी हाफ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हमारा बी इज डबल्ड, यानी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।